जो इनके दुश्मन है। इनके दुश्मन है कौन? इनसे ही पूछ लीजिए। कौन है? तो मैं मेरी बात सुनो, जब आप बैठे हो, आप साक्षी हो, आप इसके ऊपर पैरा लगा के रखते हो, बच्ची पे पैरा लगा हुआ है, तो फिर ये बताओ फिर आप दुश्मन कहाँ से? दुश्मनों का खात्मा तो आप ही करते हो ना, तो फिर दुश्मनों का खात्मा तो आप ही करते हो। हाँ तो फिर अब इनके भी दुश्मनों का खात्मा करो, है भैया? अंजलि माता क्या इनके वो इनके पास आती है, वैसे ही ये उनका भी खात्मा। अंजलि माता इसके पास आती है वो, और क्या करती है? आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देती है तो वो तो अच्छी बात है ना। आगे वो भी तो आपकी बच्ची है ना। आगे का और वचन बस। लाल साड़ी बर्फी का डब्बा। आज भी मुझे बोल रहे थे कहने माँ के बर्फी लेकर चलो यहाँ पे, तो आपने लेके आनी थी ना। अब तो मैं भी कह रही हूँ मुझे भी बर्फी खानी है, ठीक है ना भैया? पहले माँ इनका वचन आता है, इसको भोग लगाए जो भी। हाँ हाँ, ये देखो कंजक रूप में है मैया रानी। चलो ठीक है मैया, जैसा आपका हुक्म। अच्छा, जो साड़ी है और बर्फी का डब्बा कहाँ चढ़ाना है? चिंतपूर्णी में भी यहाँ पर दस लगा के रख देना, घर पे मैया रानी का चोला लाल साड़ी लेके रख देना, ठीक है? अब जब भी आप जाओगे आगे नवरात्रों में जाए, ठीक है बच्चे? अब जाके और मैया रानी से आप करवा लेना, ठीक है? तो बोल सच्चे दरबार की जय। तो करा कन्याकुमारी मैया दा बोल सच्चे दरबार की जय। पीछे बैठ से अरे रख दे ठीक है बच्चे? पीछे बैठो। अर्चन कोई नहीं आएगी, चुन्नी के पल्ले के लगा ले गांठ और माइक खुद खींच के ले आएगी, तुझे तीन हाजिरी लगातार लगाते सारे काम बन जाएंगे। पूछा भी को नहीं है, थोड़ी देर रुको, ठीक है? तीन हाजिरी लगानी है, नौमी का भंडारा, सब बच्चे सुन लो, नौमी के जागरण पे सभी ने पहुँचना है, माँ माई का विशाल जागरण है, ठीक है? सेवा करते हैं, आगे कर लूंगी बेटा मैं आपसे बात, ठीक है? आगे वाली चौकी।